नर्सिंग के बल पे, क्योंकि आप जब ये सेवा देते हैं तो आप अपना तन मन मस्तिष्क अपना समय सब कुछ अर्पण करते हैं ऐसी समाज कल्याण के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अनमोल है। आपको ये सेवा करने का मौका मिलता है, यही अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं, बूंद बूंद से घट भरता है, एक एक बूंद से समंदर बनता है, हमारी एक एक कदम से ही हम चल के एवरेस्ट को पाते हैं। ऐसे ही एक एक व्यक्ति जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक समूह बनता है, एक ऐसे लोगों का संगठन बनता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी शिखा जी से बात करते हुए मैंने जाना, उनके कहने के अनुसार हमारे पास लगभग 2000 एम्प्लॉयड और उससे डबल अनएम्प्लॉयड नर्सेज हैं त्रिपुरा में। मुझे एम्प्लॉयड शब्द का अर्थ जो उन्होंने समझाया वो जो सरकारी नौकरी में है, और अनएम्प्लॉयड नर्सेज का व्याख्या ये हुआ कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ये आत्मीयता है कि वो जन सेवा कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं, वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। मैंने आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखा आपके एसोसिएशन के द्वारा, बहुत ही सुंदर सुंदर कार्य किए गए हैं सोशल वर्क के लिए, लोगों के लिए, जागरूकता के लिए, हर तरह के मिशन को आपने टच किया है, रक्तदान जैसे महादान को आपने आयोजित किया है। इसी कड़ी के चलते मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अगर करना है तो एक और कार्य करें जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिन्हें आप अनएम्प्लॉयड नर्सेस कह रहे हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास जज्बा है, जिनके पास वो आत्मा है कि वो समर्पण कर सके, उनके लिए कुछ करें। उनके लिए एक ऐसा हेल्पलाइन बनाए, उनके लिए एक ऐसा ऑनलाइन पटल बनाए जहां देश विदेश से उन्हें कार्य के लिए आमंत्रण दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, केरला आज अपने नर्सिंग के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित कर चुका है विदेशों में भी, और हाल ही में मैंने जाना है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर अब ऐसा स्टेट उभर के आया है जो नर्सिंग प्रोफेशन में खुद को प्रतिष्ठित कर रहा है। हमारा त्रिपुरा कैसे पीछे रह सकता है जब हमारे पास इतना बड़ा एक वर्ग है जो समर्पण के लिए तैयार है, जो खुद को समर्पण के लिए रेडी करके बैठा है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मार्ग की जरूरत है, एक ऐसी दृष्टि की जरूरत है, एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो उनको इस व्यवस्था से जोड़ के उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ लेकर जा सके। हमारे इंटीरियर्स में, हमारे दूर दराज बैठे हुए धलाई जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, और ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मच्छरों से लोग बहुत दिन ब दिन उनकी मृत्यु होती है, ऐसा मैंने खुद भी देखा है। हंसता खेलता परिवार मलेरिया के चलते नष्ट हो जाता है। आप उनके लिए काम करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का विवरण ये ना दें जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। ऐसे बहुत से केंद्र ऑलरेडी स्थापित हैं जो ऐसे नर्सेस को विदेशों तक लेकर जाते हैं, उनका खान पान, उनके रहने का सब खर्चा वो उठाते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग सेवा है वो भारतीय नारी से अच्छी और कौन देगा, जिसका पूरा जीवन माँ के रूप में समर्पित होता है, समाज को समर्पित होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि आप सब मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आप लोग सब ज़्यादा मेरे से ज़्यादा समाज सेवा आप करते हैं, क्योंकि आप निष्पक्ष होकर सबके लिए काम करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे नर्सिंग एसोसिएशंस को और ऐसे लोगों का हाथ मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, कि वो जो लोग उन्होंने सोचा है
नई दिशा आप लोगों को देने के लिए उसमें वो आगे बढ़ सकें। यहाँ पे हेल्थ से, फैमिली वेलफेयर से डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और जैसा कि उनसे बात मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर बहुत होप है, वो हेल्प करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये एसोसिएशन और अच्छे काम करे, ये एसोसिएशन और आगे जाए और ऐसी महिलाओं को सामने लाए। और जहां तक मैं मानती हूँ, एक पत्नी होने के नाते नहीं, लेकिन आपके बीच में ही एक लेमैन हूं मैं भी, एक कॉमन व्यक्ति हूं मैं भी, उसके नाते मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज की सरकार, आपके जो सीएम है, वो निष्पक्ष काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। और मुझे इसका गर्व भी नहीं, बहुत खुशी भी है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी क्रिटिसाइजर हूं, मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूं उन्हें, क्योंकि मैं जानती हूं कि सच का रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मैं उन पत्नियों में से नहीं जो सिर्फ झूठ दिखाए, खुश रखे। मेरा कार्य है कि आप लोगों का हर वो मैसेज उन तक पहुंचे जिससे उन्हें ये पता चले कि हमारे समाज में कितनी समृद्धि हो रही है, हमारा त्रिपुरा कितना श्रेष्ठ त्रिपुरा की तरफ आगे चल रहा है।